और ये कितना खूबसूरत सा गेट इसका, नेत्रहाट में आपका स्वागत है। ओ भाई साहब, देखने को मिलेगा जो काफी खूबसूरत है। और ये पूरा रोड जो है ना, इतना सुंदर है ना कि मत पूछो आप। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं, जैसा मैंने अपडेट किया था इंस्टाग्राम पे कि हम लोग आज जा रहे हैं नेत्रहाट। तो आज हम लोग का राइड स्टार्ट हो रहा है कडरू पेट्रोल पंप से, यहाँ से। और यहाँ से हम लोग को डायरेक्ट अभी जाना है लोअर दग्गा में, रुकेंगे वहाँ पास रेड रॉक करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पास हम लोग का खाना पीना रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग नेत्रहाट पहुँचेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश की संभावनाएँ पूरी तरीके से 90% दिखा रहा है, तो भीगने के तो पूरे आसार है। इसलिए देख लो, मैं अभी पूरा पहना हूँ, लैरेक्स भी पूरा पहना हुआ है और सभी लोग अपना रेनकोट वगैरह और जैकेट वगैरह सभी चीज़ पहने हुए हैं। तो इसके बाद हम लोग को निकलना है। तो ये रहा हम लोग का बाइक का लाइनअप, इतनी सारी बाइकें हैं और आगे जा कर के हम लोग दिखाएंगे आपको कि कैसा होता है राइड, और होप कि सारा चीज़ अच्छा हो और ये बारिश में अलग ही मज़ा आएगा आज राइड पर। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे। आ जाओ सब इधर आ जाओ, ठीक है। देखो ये पदरातू राइड नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा लॉन्ग राइड है, तो इसमें कॉम्बिनेशन बना के चलना, ज़्यादा रफ चलाने की ज़रूरत नहीं है, सबको ले करके चलना है, ठीक है। चलो फिर, अब रुकना तो है नहीं। देख रहे, छिटकाएगा ये लड़का, तुम भी खोल के आए हो। यहाँ से तो हम लोग निकल चुके हैं, अब आगे आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी। रोला जमाना रोला, क्या बात है। और यहाँ यहाँ से हम लोग को सीधे जाना है। तो ये देख लो चौक, यही है वो चौक जहाँ से हम लोग को सीधे निकलना है। एक्चुअली ये है अरगोड़ा वाला एरिया है, अरगोड़ा एरिया है ये, या अरगोड़ा एरिया है तो चूज किए हैं। और ये अंदर ही अंदर हम लोग जाएंगे और सीधा रिंग रोड को पकड़ेंगे, ऐसा हम लोग को सोचना है। और इसलिए हम लोग ये रास्ता पकड़ेंगे। 1 किलोमीटर में बेड़ो है, नगड़ी है, लोअर दग्गा है, गुमला है। तो पहले हम लोग का डेस्टिनेशन रहेगा बेड़ो, उसके बाद फिर सीधे लोअर दग्गा के लिए। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, चलो। सो शुभम पूछ रहा था, मेरे पीछे तो नहीं ना कोई था, सही बात है। हम लोग को ये चेकआउट करते हुए चलना है कि ओ भाई कोई हम लोग के पीछे ना रहे, छूटे ना कोई भी, सबको लेकर के चलना है। तो ये बाईपास हम लोग पकड़ेंगे, इधर जाएंगे। साथ हम लोग को आगे निकलना है, एडिशन भी आ गया हम लोग साथ, यही रुका था वो तो। चलो चलो, तो यही फ्लाई ओवर है और ये सीधा रूट जो है ना वो रातू रोड निकालेगा और ये वाला रोड आपको कांके निकाल देता है। सो नेत्रहाट यहाँ से दिखा रहा है 140 किलोमीटर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो जॉनसन है, लार्स है, एडिशन है, फिर अपना सुनील है, मतलब सभी अपने केटीएम से निकल चुके हैं नेत्रहाट के लिए। और देखिए सबसे बुरा बात क्या है, ये अपना ना मेडगार्ड हटाया हुआ है, वो भी हटाया हुआ है, ये भी हटाया हुआ है। तो ये बहुत ही थोड़ा सा इधर का सकरा रास्ता है अभी, जब तक हम लोग रिंग रोड और NH नहीं पकड़ते हैं तब तक के लिए हम लोग ऐसे सिंगल वे पे चलना पड़ेगा, जहाँ एक ही रास्ते पे गाड़ी आ भी रहेंगी और जा भी रहेंगी। ओह, सो फाइनली वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और आगे है रिंग रोड 4 लेन, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। देख रहे हो भाई साहब, और माची हल्का होते हुए, ए भाई धार निकल रहा तेरा। तो इतने लॉन्ग राइड में आ ही जाता है कि नहीं देख के। देखो ये शुभम के चलते हुआ सब।
अरे आलोक बुलेट पे चलते साला मारा। तो भाई जिसका मडगार्ड खुला हुआ ना उसके पीछे नहीं रहने का है कि नहीं, तो ये हालत हो जाएगा आकाश की तरह। देख लो उसके बाइक में भी कितना छिटका मारा हुआ है। अरे साला रे गलत सीन है ब्रो। क्या बात है, जय जय भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या बात है, प्यार से बोलो, मजा आ गया यार। हम लोग भी जब बच्चे थे ना तो ऐसे ही निकलते थे। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बेड़ो चौक और यहाँ से हम लोग को निकलना है लोहरदगा के लिए। तो इधर का रास्ता काफ़ी ख़राब था यार, अगर आप लोग को याद हो मैं बोलूँगा लोहरदगा वाला रूट डायरेक्ट चूज़ करना ओवर द दिस वन बेड़ो वाला रूट, क्योंकि बहुत ही ख़राब रास्ता है, डबल पट्टी है, पूरे गड्ढे गड्ढे हैं। तो ये रहा वो चौक जहाँ से हम लोग को मुड़ना है। तो लोहरदगा के लिए जो हम लोग निकलेंगे वो ये रूट रहेगा और सिसई वाला रूट ये है। तो सिसई ये मेरे बाई साइड वाला और ये लोहरदगा जाएगा, जय भगवान। तो ये वाला रूट हम लोग में जाते हैं। लोहरदगा यहाँ से 39 किलोमीटर है। ओके, लोहरदगा का बेड़ो से जो रास्ता है बाईपास निकालता है और सीधे लोहरदगा, तो काफ़ी अच्छा रूट दिख रहा है ये। बीच में थोड़ा सा खराब था, सकरा था, बट इधर ठीक है। बॉक्साइड नगरी लोहरदगा में आपका स्वागत है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि लोहरदगा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइड यहीं पास मिलता है और ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक अगर बॉक्साइड कहीं मिलता है तो वो है अपना लोहरदगा हुआ है। और यहाँ पास दो ठो रास्ता है, एक है कुड़ू के लिए और एक है घाघरा के लिए। तो हम लोग को घाघरा की ओर मुड़ना है क्योंकि घाघरा वाला रास्ता ही इधर से हम लोग को नेदरहाट लेके जाएगा। तो हम लोग को लेफ्ट साइड मुड़ना है, अगर सबको पता है कि नहीं पता है पता नहीं, और ये जाएगा कुड़ू जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है, यही घाघरा वाला रास्ता निकालेगा। सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं रेड रॉक रेस्ट्रो, यहीं पास है, यहीं पास हम लोग को एंटर करना है। ओके चलो बाइक अंदर करो, बाइक अंदर करो। गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया? हाँ बढ़िया भैया। हाँ नेदरहाट जा रहे थे, मिले थे बरोटली में, आपको आवाज दिया सुने ने। एक्चुअली ये पूरा पैक रहता है ना तो सुनाई नहीं देता है पूरी तरीके से। हाँ आपको अच्छा अच्छा नहीं नहीं हम तो यहाँ के दिए हुए थे। हाँ यहाँ पास ही आ रहे थे हम लोग। आओ अंदर हो नहीं, अरे आओ तो, अरे चाय पी के जाना यार, बस फोटो एक लेते हैं भैया। अरे लड़का आता चाय पीता तो अच्छा लगता ना। तो आप साथ मिले थोड़ा नर्वस नर्वस। अरे नहीं यार नर्वस का कोई बात नहीं है, हम लोग सब एक ही जैसे हैं ना बाबू, है कि नहीं? आ जाओ। एक फैन था, अब बाइक यहाँ पार्क करना है। बहुत चमक रहा है भाई साहब। आकाश का देखो, इसका देखो, इसका देखो। रोटी और मंगवाना होगा ना तो मंगवा लेना, ठीक है? अब थोड़ा सा एनर्जी लग रहा है बॉडी में बहुत ज़्यादा, तो अब जी भर के बोल सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ। तो अब हम लोग निकले यहाँ से, सभी अपना तैयारी कर रहे हैं निकलने के लिए नेदरहाट से। रोड काफ़ी अच्छा मिला है काफ़ी देरी बाद, तो इसका व्यू का मजा लेना बहुत जरूरी। ओ भाई टेडू को देखो, सॉरी आकाश को देखो, क्या बढ़िया व्यू है। देख के ओ भाई साहब झक्कास, ये देखो देख पा रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है ये। जय ब्रो, बेतला अभ्यारण्य की राह में आपका स्वागत है।
तो देख सकते हो आप कि ये कितना सुंदर व्यू है, मीन्स काफ़ी सुंदर रोड है ये, और आगे चल कर के आपको इसका व्यू देखने को मिलेगा जो काफ़ी खूबसूरत है। और ये पूरा रोड जो है ना इतना सुंदर है ना कि मत पूछो आप, मतलब पहाड़ों के बीचों बीच से ये गया हुआ है तो और खूबसूरती को बढ़ा देता है ये। तो कभी आते हो तो एक्सप्लोर करो यार नेदरहाट को कभी इस रूट से, क्या मज़ा आएगा ना आपको वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। तो यहाँ अभी शो चलता हुआ रिली गेम, तो यहाँ इट्स भाई साहब क्या बात है, ओ हो ओ चौक पे, और यहाँ से 26 किलोमीटर में गुमला है, और जसपुर है 80 किलोमीटर में, और राउरकेला है 181 किलोमीटर में, मतलब दो बॉर्डर यहाँ से टच होता है, एक है उड़ीसा और एक है अपना छत्तीसगढ़, और है नेतरहाट 55 किलोमीटर ये रास्ता ना, तो लोध आने के लिए भी यही रास्ता है। तो हम लोग यहाँ से राइट लेना है, और नेतरहाट यहाँ से 55 किलोमीटर शो कर रहा है। ओ भाई साहब कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर व्यू है, आप देख सकते हो, मतलब अलग ही माहौल है, आपको लिटरली बोल रहा हूँ कि ऐसा माहौल आपको देखने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा। सारी तरफ इधर चारों तरफ से आपको पहाड़ों पहाड़ों के बीच में ये रास्ता अपने इस रास्ते की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। ओ मेरे आंखों में बारिश का बूंदे पड़ रहा है, प्रॉपर डिस्टेंस बना के चलने में ज्यादा भलाई है, क्या बात है। तो घाटी स्टार्ट हो चुका है और इसमें वॉबलिंग भी है, ऐसा नहीं कि वॉबल नहीं है, क्या मजेदार सीन है, ओ देख के क्या बात है। और इधर तो बारिश ही नहीं है यार, क्या बोला जाए, भयंकर भाई अपना लेन छोड़ करके नहीं चलना है, बस ये याद रखो। वाह सुंदर सा है ब्रो, क्या नेतरहाट बेतला, यहाँ से 24 किलोमीटर है आपका नेतरहाट, और व्यू आप देख रहे हो इपिक व्यू, वहां पर देखो जितना जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस व्यू की, मतलब कोई अतुलनीय नहीं है, मतलब वहां पर देखो क्या सुंदर व्यू है। और बाबू लोग मछली पकड़ रहा है, क्या बात है, मछली पकड़ रहा बच्चा लोग। तो अब बाइक यही जगह लाइनअप करते हैं किसी जगह पे, और एक फोटो लेते हैं जल्दी से। यार क्या सुंदर व्यू है यार, आपका दिल खो जाएगा यहाँ हो गया अगर, तू सुंदर मजा आ गया। तो ये रहा अपना झारखंड, और ये रहा बेतला नेशनल पार्क के नियरेस्ट का व्यू, और ये जो व्यू है इपिक है, सुंदर सा क्या लग रहा है यार, मजा आ गया। ओ भाई साहब क्या बात है, चल भाई शुरू हो जा। ओ तो विली तो नहीं, मेरे स्टॉप ही जरूर करूंगा मैं अभी। Oh,
क्या बात है, हो गया यार, चला जाए अब। सो फाइनली अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हुए राइड अपना। काफी देर हो चुका है हम लोग को। आज वो जो बादल है ना, पूरी तरीके से पहाड़ों को टच कर रहा है, और इसका इपिक व्यू, मतलब बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है इस पे, मतलब नज़ारे कुछ हो तो ऐसे। प्रवेश द्वार नहीं, ये यहाँ से जामती, अरे रे 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 भाई साहब, तो ये वाला रूट आपको गुमला ले जाएगा और ये रूट में हम लोग को जाना है एक्चुअली में। क्या सुंदर व्यू है, ओहो लिया सनसेट पॉइंट, अपर घाघरी, कोयल व्यू पॉइंट, सनराइज पॉइंट, मतलब हम लोग इंटर कर चुके हैं नेतरहाट के एरिया में। अब मजा आएगा हम लोग राइड, कितना सुंदर व्यू है, मतलब आप जन्नत पे आ गए हो ये सोच लो बस, मतलब इपिक यार इपिक, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। पूरा फॉग है, पूरा फॉग है, पूरा फॉग है। क्या मजेदार सीन है ब्रो, सुंदर सा, ओ भाई साहब, अरे यार इतना कचरा उड़ा रहे ना, बारिश के दिन में ना किसी के पीछे रहने का मन नहीं करता, मगर मजबूरन बस चलना ही पड़ता है पीछे। क्या सुंदर लगता हुआ व्यू, सभी अपना एंजॉयमेंट करते हुए अपना फ्री टाइम यहाँ पास। अगर आपके पास कार है तब थोड़ा सेफ है, अदरवाइज कपल्स लोग के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और ये कितना खूबसूरत सा गेट इसका, नेत्रहाट में आपका स्वागत है। तो फाइनली अब यहाँ से हम लोग को अंदर जाना है। क्या बात है, ये ना एडिशन के पीछे रहूंगा ना, ये मेरा पूरा मुंह कान भिगा देगा। क्या बात है, ओहो सुंदर सा सीन था यार। पहुंच चुके हैं नेदरहाट और ये फाइनल टर्न है मुझे लग रहा है, और इसके बाद फिर घाटी खत्म होती है और डायरेक्ट हम लोग बाजार वाले रास्ते पे मिलते हैं। देख रहे हो आप कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पास, यार एडिशन जॉनसन तुम लोग छिटका के ना मेरे कैमरे खराब कर देगा यार, छिटका लो यार, ये भी एक अलग ही मजा है। क्या बात है, सुंदर लगता हुआ, जन्नत में आपका स्वागत है भाइयों और बहनों। क्या सीन है, एपिक, कोई तुलना ही नहीं है इसका, कोई कंपेयर नहीं है, इतना मजेदार सीन मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। ओह माय गॉड, यू कैन नॉट इमेजिन कि मैं क्या फील कर रहा हूं अभी, मुझे इतना ज्यादा खुशी हो रहा है ना आज इतना फॉग देख करके कि मैं बयान नहीं कर सकता उस चीज को। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नेदरहाट चौक पे, और आ जाओ। तो अब रुका जाए, लाइनअप करो, लाइनअप।
सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नेतरहाट, और ये रहा वेदर का मौसम, आप देख चुके कुछ सिनेमैटिक वीडियो में। और अभी और लोग आ ही रहे हैं, और बहुत तेज का बारिश हो रहा है यहाँ पास अभी, और सारा चीज़ हम लोगों ने तो रेनकोट कैरी किया हुआ था इसीलिए बच गए, अदरवाइज़ भीगने के पूरे आसार थे। और ये देखो आप विश्वास नहीं करोगे, आगे का व्यू कुछ नहीं दिख रहा है, पूरी तरीके से फॉग जमा हुआ है, और इतना सुंदर व्यू मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। आप बताओ, आप कभी आए हो नेतरहाट और ऐसा व्यू देखे हो कि नहीं देखे हो? अगर देखे हो तो कसम कह रहा हूँ कि आप खुश नसीब हो। और एपिसोड 1 में बस इतना ही, और अभी आगे और वीडियो आएगी यहाँ का एपिसोड 2 में, तो मैं वहाँ दिखाऊँगा लोध वाटरफॉल और जहाँ जहाँ घूमेंगे वहाँ का वीडियो दिखाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय सभी को, अपना ख्याल रखिएगा।